हेलो फ्रेंड्स, आई एम चन्ना एंड वेलकम यू टू माय चैनल जीटीवी एजुकेशन एंड एग्जाम्स। तो आज हम एक ट्रू फैक्ट पे बात करते हैं। अगर आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के, तो आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट सोसाइटी के हर एक लोग को सबका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपकी कोई नेबर भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिस चीज से उनकी पढ़ाई में, उनके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम। एक तो यार बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि जब कोई यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, तो उसके फ्रेंड्स वगैरह आके उसको ऐसे बोलते, अरे भाई तू तो आईएएस बनेगा, ओहो देख आईपीएस आ रहा है, आईएएस आ रहा है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, और फिर वो बहुत माइंड पे एक प्रेशर सा हो जाता है। उससे वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं और वो सही से अपना एग्जाम नहीं दे पाते। उनको प्रिपरेशन में भी हर वक्त ये बात याद आती रहेगी कि यार मुझे तो करना पड़ेगा, वो लोग ऐसे बोलते हैं और नहीं बनूंगा फिर कैसा लगेगा। तो ये ना थोड़ी अजीब सी हो जाती है। वो करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद अगर वो उनका नहीं निकलेगा ना यार, देन वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो प्लीज आप उनसे ये बातें मत किया करो कभी। तो यार जब कोई बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि सामने वाला सोचता है ना कि वो अब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो ओवर इंटेलिजेंट है, उसे सब कुछ पता है। यार ऐसा नहीं होता है। और ऐसे में अगर आप उससे ऐसे कुछ पूछ दोगे, उसे नहीं आएगा ना, फिर उसे बहुत बुरा लगता है अंदर ही अंदर। उसको अपने प्रिपरेशन पे लगता है यार मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते जरूर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर ये नहीं है कि वो सब चीज पढ़ जाते। और क्यों पढ़े सब चीज जब सब चीज काम का ही नहीं है। आपको काम करना है कंट्री के लिए, फिर वो ओवरऑल नॉलेज रख के क्या फायदा। अक्सर फ्रेंड्स वगैरह ऐसे बोलते हैं कि भाई तुझे पता है यूपीएससी में तो लाखों लोग लेते हैं, अब पता नहीं यार तेरा लक अच्छा होगा कि नहीं, तू होगा सिलेक्ट या नहीं, देख मेहनत कर, होना होगा तो हो जाएगा। ये बात कभी नहीं कहते यार। अगर वो सच में प्रिपरेशन करने में थोड़ा अच्छा भी है ना, वो उस टाइम डीमोटिवेट हो जाता है। उसको अंदर से लगता है यार पता नहीं, उसको वो कंफ्यूजन उसके अंदर आ जाता है। ऐसे तो देखो एक यूपीएससी एस्पिरेंट नॉर्मली बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड होता है, बट जब आप किसी को भी डाइवर्ट करते हो ना, तो सबके माइंड में थोड़ा सा तो कंफ्यूजन आ ही जाता है। तो इसलिए प्लीज ये सब फालतू की बातें उनसे मत की। मम्मी पापा हो तो आप कभी भी उनसे इस टाइम में शादी की बात मत करना, बिकॉज इसके बाद ना यार एक डे ड्रीमिंग वाला हो जाता है कि उनके माइंड में आता है अब मेरी शादी होगी तो ये होगा वो होगा, मतलब वो सोचने लग जाते हैं। और जब आप जानते हो जब लोग पढ़ता है ना, तो उस टाइम आपको भी फील होता होगा कि सेकंड थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। जितना पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो ना, उससे ज्यादा सेकंड थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज इस टाइम पे आप लोग उनसे शादी की बात मत करना। तो ये था यार आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड बी सपोर्टिव टू एवरीवन हु वांट टू अचीव समथिंग। यस, आप अगर उनके सोसाइटी में हो, उनके फैमिली में हो, उनके फ्रेंड्स में हो, उनके रिलेटिव्स में हो, आप जो भी हो प्लीज उनका सपोर्ट करो ताकि वो सच में सक्सेस कर पाए। बिकॉज ये सब बातें ना कभी कभी डीमोटिवेट कर जाती है लोगों को और वो आगे अचीव नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।